हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है नॉइस की विजन 2 स्मार्ट वॉच, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि भाई इसका वीडियो जल्दी से लेकर आओ। तो वॉच मुझे कल डिलीवर्ड हो गई थी और कल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। वॉच में क्या अच्छा मिलता है, क्या बुरा मिलता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, जैसा कि नॉइस की सभी वॉचेस में देखने को मिल जाता है। और इस सेट में यहाँ पर टैगलाइन यूज़ की गई है, बाकी बैक सेट में यहाँ पर फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाता है, जिसको स्कैन करके आप इनकी नॉइस फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है, उसके बाद वारंटी कार्ड मिलता है और नॉइस के स्टिकर्स मिल जाते हैं। उसके बाद अंदर सेट में आपको एक केबल मिल जाती है, जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। और एक काफ़ी खूबसूरत सी वॉच रखी हुई मिल जाती है। और फर्स्ट इंप्रेशन में तो वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी इसको ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं, और पेयर करना काफ़ी इजी है। आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन को ओपन करना है, जाना है ऐड डिवाइस पे, और यहाँ पर देख सकते हैं वॉच में QR कोड आ गया है, इसको स्कैन करना है, बस वॉच आसानी से पेयर हो जाएगी। तो पेयर करना काफ़ी ईजी है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको वॉच मिल जाती है, जो कि लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि वॉच काफ़ी स्लीक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट प्राइस को देखते हुए यहाँ पर मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी इसकी। और रही बात स्ट्रैप की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप मिल जाता है, जहाँ पर आपको टेक्सचर्ड भी मिल जाते हैं। तो स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और वेट की बात करें तो इसका वेट भी ओनली 37 ग्राम से है, तो काफ़ी लाइट वेट है, और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस वॉच की। बाकी आते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पर आपको 1.78 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन है 368x448 पिक्सल। तो डिस्प्ले सुपर शार्प है और कलर्स काफ़ी पंची आते हैं। बाकी जाहिर सी बात है AMOLED डिस्प्ले है, तो ब्लैक बिल्कुल डीप आपको मिल जाता है। और ब्राइटनेस की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलती है। बाकी बेजल की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी कम बेजल देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल डिस्प्ले का मज़ा मिलने वाला है इस वॉच में। बाकी इसमें आपको ऑलवेज ऑन का फीचर भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको दो तरह के वॉच फेस भी मिल जाते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन का फीचर भी मिल जाता है इस वॉच में। रही बात वॉच फेस की, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 4 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है वॉच में, और इसमें आप अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100+ वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस दिए गए हैं इसमें। उसके साथ ही यहाँ पर आपको रेस्ट वेक भी काफ़ी फास्ट मिल जाता है, जैसे ही हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, और अगर आप ऑलवेज ऑन को ऑन रखेंगे तो भी इसका रेस्ट वेक वर्क करता है, ये मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए आपको बस इस तरह से करना है और डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ये फीचर भी इसमें मिल जाता है। अब आते हैं हेल्थ फीचर्स पे, तो यहाँ पर आपको 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग, साइकिलिंग, काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आप आउटडोर वॉकिंग या फिर आउटडोर रनिंग करते हैं तो ये आपके फ़ोन के GPS को यूज़ करके लोकेशन ट्रैक कर लेती है, और इसकी पेडोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है, आप जितने स्टेप्स लेते हैं ये उतने ही काउंट करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हार्ट रेट भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाता है, और मैंने इसको ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर किया तो रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही थी। सबसे पहले मैंने नॉर्मली चेक किया, उसके बाद मैं दौड़ कराया, दोबारा से चेक किया तो भी रीडिंग इसकी मैच कर रही थी। रही बात SPO2 की, तो यहाँ पर आपको अलग से SPO2 का सेंसर तो मिल जाता है, बट रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आती है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी वॉच पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इसे, और स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर स्लीप की एक्यूरेसी भी काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और एक्यूरेसी भी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है इस वॉच की। बाकी इसमें आपको ऑटो वर्कआउट का फीचर भी मिल जाता है, तो अगर आप वॉकिंग या रनिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है, बट मैंने इसको चेक किया और ये फीचर वर्क नहीं कर रहा था। बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है, और 5 दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल जाता है, तो आप एप्लीकेशन से रिमाइंडर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अलार्म का फीचर मिल जाता है, और वॉच से ही आप अलार्म को सेट कर सकते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमर और स्टॉपवॉच का फीचर मिल जाता है, और म्यूजिक को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वॉच से। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का फीचर भी दिया गया है, और फाइंड डिवाइस का फीचर भी आपको मिल जाता है, और सभी अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने का फीचर भी मिल जाता है, और इसका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको दो तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है, एक है लिस्ट व्यू और दूसरी है ग्रिड स्टाइल। बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको कॉल की और मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाती है, कॉल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, और क्विक रिप्लाई का आपको फीचर मिल जाता है, लेकिन अगर आप आईफोन के साथ इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी फीचर नहीं मिलेगा। उसके बाद मैसेज की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको 7-8 लाइन्स के मैसेज मिल जाते हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगा,
लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बाकी कनेक्टिविटी इस वॉच की काफ़ी सही है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और ऐप्स वॉच की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉइस की लेजेंडरी एप्लीकेशन नॉइस फिट का सपोर्ट मिल जाता है। एप्लीकेशन पर नजर डालें तो सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया, ये सब डेटा वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पेज शॉपिंग के लिए दिया गया है। तीसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ से आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद चौथे पेज पर जाएंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। लास्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है और देख सकते हैं वॉच कनेक्टेड है। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन हो गया, ऑटो हार्ट रेट हो गया, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जिसको आप अपने हिसाब से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन काफ़ी सही है, बाकी कभी कभी डेटा वगैरह सिंक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो कनेक्टिविटी वॉच की काफ़ी सही लगी मुझे। अब आते हैं उस टॉपिक पे जहाँ पर ये वॉच मार खा जाती है और वो है इसका यूआई, क्योंकि यहाँ पर आपको जो यूआई मिलता है काफ़ी ज़्यादा लैगी और काफ़ी ज़्यादा अटक अटक कर चलता है। हालांकि यूआई अच्छा है बट काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाती है और देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी ज़्यादा अटक अटक कर चलता है। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस मेन्यू मिल जाती है जहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं। उसके बाद DND, फाइंड डिवाइस, टॉर्च, यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप ट्रैकिंग, SPO2। राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं और ये लुक में दिया गया है। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं और बटन को प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी डिस्प्ले को ऑफ करने के लिए बस इस तरह से करना है और डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। तो UI आपको अच्छा मिलता है बट काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। अब आते हैं लास्ट में इस वॉच के बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर आपको अप टू 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बाकी अगर आप इसको ऑलवेज ऑन के साथ यूज़ करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। तो देखा जाए तो बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है। वर्डिक्ट की बात करें कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं, तो इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस था वो था 3000 और 3000 के हिसाब से काफ़ी सही वॉच थी और ये इकलौती वॉच थी जहाँ पर आपको 3000 के अंदर AMOLED डिस्प्ले मिलती थी। तो 3000 में तो बिल्कुल आप लोग इसको ले सकते थे। बाकी अभी इसका प्राइस बढ़कर हो गया है 4500 रुपये, जो कि वर्थ नहीं है। और 4500 में ये ओवर प्राइज्ड वॉच है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है प्लास्टिक की मिलती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगी। तो यहाँ पर 4500 में ये लेने लायक नहीं है। बाकी अगर ऑफर आता है या फिर कोई सेल वगैरह आती है और आपको 3000 या फिर 3500 में ये वॉच मिलती है तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी मिलती है वो काफ़ी तगड़ी मिल जाती है और ऑलवेज ऑन का फीचर भी दिया गया है और स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कमी की बात करें तो यहाँ पर इसका जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता है और पूरा एक्सपीरियंस ख़राब कर देता है इस वॉच का। तो यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर आपको जो UI मिलता है बहुत ज़्यादा अटक अटक कर चलता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही वॉच है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो फिर आप लोग इसको ले सकते हैं। बाकी अभी के हिसाब से 4500 में तो बिल्कुल आप लोग इसको परचेस मत करना, थोड़ा सा पैसा लगाकर आप लोग नॉइस की ही कलर फिट अल्ट्रा 2 ले सकते हैं। वो ज़्यादा प्रीमियम वॉच है और सारे फीचर्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे और जब ऑफर आता है फ्लिपकार्ट पे तो वो भी आपको 4500 रुपये में मिल जाती है और वहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील की बिल्ड मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी वहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम मिलती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।